बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीना फातिमा और आप देख रहे हैं फूड रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ पाए, वो भी घर के मसालों से। कोई इसमें कुकर वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा, जो देसी तरीके से जो मेरी दादी बनाया करती थी। स्टाइल में आज मैं पाए की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, बिल्कुल अथेंटिक। कोई वो नहीं है उस रेसिपी में। आज मैं बना रही हूँ बकरे के पाए। एक बकरे के पाए हैं ये। मैंने पहले हल्का सा इसको क्या करूँगी, बॉईल करूँगी और एक पानी इसका फेंक दूँगी। उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें अक्सर हीक आती है, लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ उसमें ज़रा सी भी हीक नहीं आएगी। तो यही रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसमें जो जो सीक्रेट मसाले हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मेरा एक बॉयल होकर पानी फेंक दिया। तो ये देखिए हल्का सा हो गया, विद इन 5 to 15 मिनट रखा। ये दो प्याज मैंने डाली है बिल्कुल साबुत छील के। इसी तरह से आप बिल्कुल हर चीज़ ऐड कीजिएगा। ये मेरे पास आ गई स्टार लीफ, 5-6 स्टार वाले जो मिलते हैं वो हो गए। ये लौंग हो गई, मैं आपको रेंडम भी बता देती हूँ जो मसाले हैं। काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, ग्रीन इलायची, बड़ी इलायची, 5-6 दाने सबके लिए दालचीनी मैंने डाल दी। ज़ीरा हो गया, ये हमारे पास आ गया सही। ये हमने सारे मसाले अब इसके अंदर डाल दिए हैं। देखें काली इलायची, बड़ी इलायची, सबके 5-5 छः लेने हैं, इससे बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। और लौंग ज़रूर लीजिएगा। और ये जो मैंने डाला है धनिया, सेंस से निकल गया था, और तेज़पात भी ज़रूर इसमें डालिएगा। सारे गरम मसाले डालिएगा और आखिरी में जावित्री ज़रूर ले लीजिएगा, वो भी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। ये हमारे सारे कम मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। और इन द एंड आखिरी में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गई थी, फिर मेरी अम्मी ने याद मुझे दिलाया, बिना तुमने अदरक लहसुन नहीं डाला, तो इसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर दीजिएगा आप, और नमक। तो ये सारे मसाले बिल्कुल कंप्लीट हो गए, इसमें मैं डालूंगी। लेकिन ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो, बिल्कुल ऑथेंटिक और घर के मसालों से। और ये ज़ीरा, ये एक तो काला ज़ीरा होता है, एक सियाह नॉर्मल वाला ज़ीरा होता है, तो नॉर्मल वाला ज़ीरा इसमें डालिएगा। सारे गरम मसाले हो चुके हैं। देखा अदरक लहसुन का मैंने आपसे जिक्र किया था, पहले मैं भूल गई थी, फिर मेरी अम्मी ने मुझे याद किया, मैं कौशिक मैं तो भूल गई थी, अदरक लहसुन भूलती नहीं, फर्स्ट टाइम भूल गई थी। ये सारे मसाले हो गए, इसको मैं पानी भर के, अब मैं इसको 5-6 घंटे के लिए मैं इसको नॉर्मली चढ़ा दूँगी। तो हम लोग इसके बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा तो मैं इसको मीडियम हीट में, मतलब ना इतनी तेज़ हो ना इतनी कम हो, मीडियम हीट में इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी 5-6 घंटे के लिए। तो अभी मेरे टाइम जो हो रहे हैं वो 12 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला 6 बजे तक मेरी यखनी रेडी हो जाएगी, जिस तरह की मुझे चाहिए, बिल्कुल गली हुई और जूसी। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैंने पाए के साथ थोड़ा सा गोश्त भी इस्तेमाल किया। तो आपकी मर्ज़ी, आप गोश्त इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन मैंने ज़रूर किया क्योंकि मेरी दादी इसमें बहुत ज़रूर डालती थी। तो देखिए मेरी यखनी के अंदर बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसको रख दूँगी। ये देखिए मेरी यखनी का पानी, देखिए कितना हो गया, ये 6-7 घंटे इसके कम्प्लीट हो गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया क्योंकि इतनी लंबा तो प्रोसेस मैं कर नहीं सकती थी, वैसे ये बहुत लंबी हो गई। तो इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन, बना रही हूँ कलर पसंद, मैंने इसमें डाल दिया। सारे मसाले डालूँगी, तो मैं आपको मसाले का पहले बता दी थी, लाल मिर्च हल्दी कम लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, लाल मिर्च भी अपने हिसाब से लीजिएगा, धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक का पाउडर जो मिलता है वो लीजिएगा इसके अंदर, धनिया पाउडर मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और गरम मसाला जो मैंने घर का बनाया हुआ उसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर, मैं बना के शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक डाल दूँगी उसका, और कार्ड भी कर दूँगी वो मसाला। और हाँ, धनिया ज़ीरे को भुना हुआ ज़रूर डालिएगा। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, तो अब मैं इसको भूनती हूँ।
मैंने जल्दी आपको बता दिया, बहुत फास्ट सर्विस मैंने कर दी आजकल। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो। और हाँ, ये रेसिपी बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में जो मेरी दादी बनाया करती थी वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं सारी रेसिपीज़ मेरी कोशिश होती है अपनी दादी वाली स्टाइल की बनाऊँ, क्योंकि मेरी दादी के हाथ में जायका था और मज़ा था। और दादी के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और होती है। किस किस ने अपनी दादी के हाथ के खाने खाए और कौन कौन तारीफ़ करता है। मैं तो अपनी दादी के खानों की तारीफ बहुत करती हूँ, बहुत अच्छे खाने बनाती थी। तो मैं अब कोशिश करती हूँ, वो तो अब जिंदा नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके खानों की रेसिपीज़ मैं हमेशा आप लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आखिरी में हम आएंगे अपनी प्याज की तरफ। प्याज मैंने पहले से ब्राउन करके रख ली थी, तो मैं प्याज को कर लूँगी हाथ से, जो जिसे कहते हैं चूरा। वो वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, जिसको मैंने आपसे नहीं शेयर करी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो की थोड़ी सी मैंने क्लिप बना ली है, जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अभी हम इस पॉइंट पर प्याज नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए, थोड़ा और मज़ीद भुनेंगे। मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और पाए की तो बहुत ही अच्छी खुशबू। और यकीन मानिए, इसमें जो वैसी हीक आती है, बिल्कुल भी इन पायों में हीक नहीं है। अगर आप ऐसे बनाएंगे, अगर आप वैसे बनाते हैं, उसमें बहुत हीक रहती है। अक्सर लोग खाना छोड़ देते हैं हीक की वजह से पाए। तो ऐसे बनाएंगे जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस ने खाया और किस किस को हीक नहीं आए। बिल्कुल हीक नहीं आती। और ये देखिए, मैंने प्याज का चूरा करके रख लिया था अपने हाथ से, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन्हीं मसालों के साथ, ही दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लें। लेकिन मैं समझती हूँ बाहर के मसालों जो मिलते हैं ब्रांड्स वाले, उनको ना ही यूज़ किया जाए तो बेहतर। एक तो बहुत गंदे मसाले होते हैं, उनमें अक्सर कीड़े भी चल रहे होते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उसमें लकड़ी का भूसा ज़्यादा डालते हैं, जिसके खाने के आजकल टेस्ट ही नहीं होता, काला काला खाना रहता है। लेकिन प्याज को डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैं इस पॉइंट पे आके दही ऐड करूंगी। दही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल। ये देखिए, थोड़ी सी दही मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। हाँ, मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक मैं यखनी में डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको बाद में थोड़ा नमक कम या ज़्यादा लगे तो आप एंड में ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यखनी में अच्छा खासा नमक है। तो ये देखिए, इसको मैं भूनूंगी। इसमें भुनाई ज़्यादा है। पाए बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, पाए बनाना सबसे आसान काम है। पाए और निहारी, निहारी तो दुनिया के सबसे आसान तरीन काम है। ये देखिए, ये मेरे इसके अंदर हल्का सा ही आ गया। थोड़ी देर मैंने इसको हल्की आँच पर रख दिया है और बने। अब मैं यहाँ पर आके जो मेरी यखनी है इसको मैं साफ़ करती हूँ, यखनी को अलग करती हूँ। और ये जो ये देखिए, ये पाए हैं, इनको मैंने स्ट्रेनर से निकाल लिया। देखिए, अब मैं यखनी को छान लूँगी। देखिए कितने गले हुए, कितने जूसी और टेंडर, बहुत मज़े के पाए लग रहे हैं ऐसे ही। ये देखिए, अब मैंने इसको छन्नी से छान लिया है यखनी को। सारी चीज़ें एक जगह मैंने इसकी कर दी। और देखें, ये भी इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, ये भी पूरा साफ़ होगा। गोश अलग हो जाएगा, ये प्याज व्याज ये जितनी भी चीज़ें सब अलग हो जाएंगी। देखिए कितना जूसी है, ऐसे ही टूट रहा है, क्योंकि मैंने एक पाए लिए थे आप लोग को बताने के चक्कर में, क्योंकि बकरीद आने वाली है और आपको पता है लोग के घर में पाए ज़रूर बनते हैं। ये देखिए, मेरा मसाला भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। जब तक मेरी अम्मी जो है उसको साफ़ कर रही है, मसालों को बिल्कुल अलग कर देंगे, जितना भी गरम मसाला है उनको अलग कर देंगे और पाए को अलग निकाल लेंगे। इसमें गोश भी है और ये सब चीज़ें, ये अलग हो जाएगा, बिल्कुल जूसी और बहुत मतलब आराम से टूट रहा है। ये देखिए, मैंने इसको साफ़ करके मुझे दे दिया, मैंने इसको सीधे मिला दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर मज़ीद जो है ना भूनूंगी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे। तो मेहनत लगती है हर काम के अंदर, अच्छा खाने के अंदर मेहनत लगती है। और मुझे बताइए कि आप लोग भुना हुआ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बगैर मुझे तो भुना हुआ खाना ज़्यादा पसंद है, बनस्पत जिसमें प्याज और टमाटर अलग अलग से तरह का होता है, मैं उसको रिकमेंड करती भी नहीं और ना ही खाती हूँ। ये देखिए कितनी छोटी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या सारी चीज़ों में। आप ईद से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ईद आने वाली है, इसलिए बकरीद आने वाली, सॉरी, इसलिए मैंने पानी की रेसिपी आप लोग ये बनाई है। और वो दादी के हाथ के पाए की रेसिपी है,
तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। हमारे घर में तो ज़रूर बनते हैं, मेरी अम्मी इस रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करती है, बहुत मज़े की, और मेरे महल्ले वाले सब खाते हैं और बोलते हैं मैं निकला, तो मैं उन लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आप भी जब बनाइएगा तो अपने नेबर्स को, इन सबको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना नहीं भूलेगा। ये देखिए इसके अंदर मैंने यखनी भी मिला दी इस पॉइंट पर आके, इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने तो इसको नान के साथ खाया, मैं इसको बाद में एडिट कर रही हूँ, लेकिन अभी खुशबू फ़िलहाल बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए कि और इतना गाढ़ा हुआ जिसमें हाथ चिपकते हैं। कुकर वाला मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें आप कुकर से सीटी देके उससे गलार होते हैं। ये देखिए कितना जूसी और कितना, ये देखिए कितना गाढ़ा, अक्सर पाए नहीं गाढ़े हो रहे थे वो भी बकरे के, ये देखिए कितने गाढ़े मैंने कर दिए। और तंदूर की रोटी से भी हाथ चिपक रहे, लेकिन इसको बनाना 5-6 घंटे ही पकाइएगा जिसका जूस ज़्यादा निकल रहा होता है। ये देखिए ये मैंने गरम मसाला डाला है और इसके अंदर ज़ीरा जो भुना हुआ डाला था वो ऐड कर दिया, इसके अंदर गरम मसाला, ज़ीरा, हरा धनिया, ऊपर से मैंने अदरक के पीसेस डाले हुए, ये हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। मुझे ये सब गार्निश के साथ ज़्यादा पसंद है। ये प्लेट भी मैंने तैयार कर दिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नींबू, और ये प्याला मेरा सर्व हो गया। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।